वेलकम एवरीबॉडी टू दिस न्यू लेक्चर ऑफ पेपर नंबर फर्स्ट मैकेनिक्स। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस एंड पोलर सैटेलाइट्स। एंड दीज सैटेलाइट्स आर वर्किंग टू मैनी मैनी एप्लीकेशंस, फॉर द मैनी मैनी एप्लीकेशंस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड टू प्रोवाइड अस the television signal, the radio signal, or signals of radars, etc. So in this continuation, let us introduce one more concept related to communication, and that is about GPS, that is global positioning system. And this topic included in our syllabus as basic idea of global positioning system, GPS. Okay, so let's start this. The what is GPS, how does it works, and what is the benefit or uses of GPS system. Okay, because GPS system is very commonly used system in our daily life, and most of you used as a Google Map and GPS navigation system. So this is very familiar use of GPS system in our daily life. So let's discuss it. Okay. This is our today's topic, is about basic idea of global positioning system, that is about GPS. Okay, what is global positioning system? Let us first discuss it. The global positioning system, originally called Navistar GPS, is a satellite based radio navigation system owned by United States government and operated by United States Space Force. Okay, United States government, United States of America ki jo government hai wo GPS system ko, navigation system America owned karti hai, aur jo operate kiya jata hai wo United States Space Force ke liye use kiya jata hai. Okay, it is one of the global navigation system, GNSS. Global, G stand for global, N stand for navigation, the first S stand for satellite, and second S is stand for system. That is global navigation satellite system, GNSS. It is one of the global navigation satellite system that provides geolocation, यानी जो पृथ्वी पर लोकेशन है उस लोकेशन को एंड टाइम, साथ ही साथ टाइम इंफॉर्मेशन टू ए GPS रिसीवर, जो ग्लोबल पोजिशनिंग रिसीवर है, एनीवेयर ऑन और नियर द अर्थ वेयर इज एन अनबस्ट्रक्टेड लाइन ऑफ साइट टू फोर और मोर GPS सैटेलाइट, यानी जहां से उस व्यक्ति या उस रिसीवर की जो लाइन ऑफ साइट है कम से कम चार सैटेलाइट से डिस्ट्रक्टेड ना हो, यानी वो जगह, वो लोकेशन, वो व्यक्ति चार सैटेलाइट की कम से कम सीधे लाइन ऑफ साइट में हो. लाइन ऑफ साइट का मतलब ये होता है, आगे जब कभी कम्युनिकेशन सिस्टम अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा तो बहुत सारी हमारे पास वेव्स होती हैं जिनको हम स्काई वेव्स, स्पेस वेव्स, ग्राउंड वेव्स कहती हैं. तो वहाँ एक कंसेप्ट रहता है लाइन ऑफ साइट का. लाइन ऑफ साइट का मतलब सीधी रेखा में देखना, यानी आप जो जिस जगह आप है वो लोकेशन उस टाइम पे कम से कम चार सैटेलाइट के सीधे लाइन ऑफ साइट में होनी चाहिए. ओके, ऑब्स्टेकल, जैसे जो रुकावटें हैं सच एज माउंटेन्स एंड बिल्डिंग्स,
बिल्डिंग्स भी रुकावटों की तरह ही वर्क करते हैं सैटेलाइट के लिए। ब्लॉक रिलेटिवली वीक जीपीएस सिग्नल, अगर वीक जीपीएस सिग्नल है तो वो उनको ब्लॉक कर देती है, यानी जो माउंटेन्स हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वो जीपीएस सिग्नल्स, जो वीक जीपीएस सिग्नल हैं, उनको ब्लॉक कर देती है। इट कैन बी यूज फॉर बोथ मिलिट्री एज वेल एज सिविलियन पर्पज, तो मिलिट्री पर्पज के लिए भी यूज किया जा सकता है और सिविलियन पर्पज के लिए भी यूज किया जा सकता है। वैसे जो ग्लोबल जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का जो इन्वेंशन आप इसे कहिए, इन्वेंशन हुआ या इसका जो आइडिया आया, वो शुरू में मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए ही यूज करने के लिए इसका आइडिया था, लेकिन बाद में इसको सिविलियन पर्पज के लिए भी यूज किया जाने लगा। ओके, दिस कंस्टिलेशन साइज के ऊपर बात कर लेते हैं, कितना कितने इसमें सैटेलाइट्स हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं, तो कंस्टिलेशन साइज के ऊपर बात कर लेते हैं। ओके, सो द कंस्टिलेशन साइज, व्हाट इज इस जो ये जीपीएस सिस्टम है, इसमें टोटल जो सैटेलाइट्स हैं वो 33 हैं, सैटेलाइट्स जो ऑर्बिट में हैं वो 31 हैं, टोटल सैटेलाइट लॉन्चेस आज तक 72 है। बाय दिसंबर 1993, ये लास्ट इंफॉर्मेशन है, जीपीएस अचीव्ड इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी IOC विद अ फुल कंस्टिलेशन ऑफ 24 सैटेलाइट्स अवेलेबल एंड प्रोवाइडिंग पोजिशनिंग सर्विसेज, यानी जो SPS को प्रोवाइड करा रहे थे, 24 सैटेलाइट्स हमें कम से कम चाहिए होते हैं फुल कंसल्टेशन के लिए। अगर फुल कंस्टिलेशन आपको करना है तो उसके लिए कम से कम 24 सैटेलाइट्स आपको चाहिए। आगे हम एक फिगर के थ्रू भी इसको समझने की कोशिश करेंगे GPS को। ओके, सो द GPS इज अ नेविगेशन सिस्टम यूजिंग सैटेलाइट, अ रिसीवर एंड एल्गोरिथम्स टू सिंक्रोनाइज लोकेशन, वेलोसिटी एंड टाइम डेटा फॉर एयर, सी एंड लैंड ट्रेवल। आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो, हवा में ट्रेवल कर रहे हो, सी में ट्रेवल कर रहे हो, या कहीं लैंड, पृथ्वी पर, धरातल पर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, तीनों जगह आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो वेलोसिटी है, यानी लोकेशन है, वेलोसिटी है, और जो जिस टाइम पे आप जहां होंगे या थे, वो सब आपको ये जो GPS सिस्टम है ये प्रोवाइड करके देता है। बहुत अच्छी सुविधा है। आप जाना है आपको कहीं भी, तो आप आराम से सबसे पहले गूगल मैप पे ट्राई करते हैं कि कहीं जाने के लिए कितना समय और किस लोकेशन में मैं कहाँ लगभग होऊंगा, तो वो सब GPS से ट्रैक हो जाता है। GPS कंसिस्ट ऑफ कंस्टिलेशंस ऑफ 24 सैटेलाइट्स, 24 सैटेलाइट्स इसमें होते हैं, इन 6 अर्थ सेंटर्ड ऑर्बिट प्लेन्स, ऑर्बिटल प्लेन्स, जो आप पृथ्वी के सेंटर को सेंटर समझ के 6 सर्कल्स ड्रॉ कीजिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और हर सर्कल्स में 4 सैटेलाइट्स हैं, कंस्टिलेशन किया गया है 4 सैटेलाइट्स का। तो इस प्रकार से जो 6 आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपने ड्रॉ किए हैं, वहाँ 24 सैटेलाइट्स कंस्टिलेशन हो जाता है। सो जो GPS सिस्टम है, GPS कंसिस्ट ऑफ कंस्टिलेशन ऑफ 24 सैटेलाइट्स इन 6 अर्थ सेंटर्ड ऑर्बिटल प्लेन्स, ईच विद फोर सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग एट 20,000 किलोमीटर अबाउ अर्थ एंड ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 14,000 किलोमीटर पर आवर। दिस इज अ वेरी हाई स्पीड, 14,000 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, और अभी डिस्कस करेंगे उस स्ट्रक्चर के ऊपर। व्हाइल वी ओनली नीड 3 सैटेलाइट्स टू प्रोड्यूस अ लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस, हमें केवल अर्थ सरफेस पर अगर कोई लोकेशन हमें फाइंड करनी है तो हमें उसके लिए केवल 3 सैटेलाइट की जरूरत होती है, लेकिन अ फोर्थ सैटेलाइट इज ऑफन यूज्ड टू वैलिडेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर 3। लेकिन चौथा जो सैटेलाइट है वो इसलिए यूज किया जाता है कि उस जो इंफॉर्मेशन उन 3 सैटेलाइट्स ने आपको प्रोवाइड की गई है,
उसको वैलिडिएट करने के लिए, वैसे तो लोकेशन तीन सैटेलाइट कंफर्म कर देते हैं कि इस व्यक्ति की, इस वस्तु की जो पोजीशन है वो इस समय यहाँ है, लेकिन जो चौथा सैटेलाइट आपको चाहिए होता है, जिसका कंस्टिलेशन आपने उस छह ऑर्बिट्स में किया हुआ, ऑर्बिट ही मैं कह रहा हूँ, इन छह सर्कल्स में आपने किया है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आप इसे कह सकते हैं, एज एज्यूम्ड टू फर्स्ट सेंटर इज एज्यूम्ड टू एज द सेंटर ऑफ अर्थ। सो फोर्थ सैटेलाइट इज ऑफन यूज टू वैलिडिएट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर थ्री। जो तीन बचे हुए हैं उसकी जो जो उन तीन ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, उन तीनों के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको वैलिडिएट कराने के लिए जो चौथा उपग्रह हम यूज करते हैं वो फोर्थ सैटेलाइट को यूज, यानी चौथे सैटेलाइट का जो वर्क है वो केवल उस इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करने का है कि हाँ ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ है, ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये स्थान एग्जैक्टली यहाँ ही है। इसको वैलिडेट करने के लिए हमें उस चौथे सैटेलाइट की जरूरत होती है, वैलिडेशन के लिए केवल। नहीं तो जो जगह के बारे में, जो लोकेशन के बारे में और टाइम के बारे में जो पुष्टि है वो केवल तीन सैटेलाइट ही कर देते हैं। ओके, द फोर्थ सैटेलाइट आल्सो मूव्स अस इनटू थर्ड डायमेंशंस एंड अलाउज टू कैलकुलेट द एल्टीट्यूड ऑफ अ डिवाइस। इस तरह की वो कंस्टिलेशन होता है। ये अर्थ, आप इस बात को समझिए, जो थोड़ा सा डार्क मैंने किया हुआ है, ये अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, और हर कॉन्सेंट्रिक सर्कल में ये चार सैटेलाइट्स को स्थापित किया गया है, चार सैटेलाइट को स्थापित किया गया है। तो इस तरह से पहले जो कक्षा है उसमें भी चार सैटेलाइट हुए, दूसरी कक्षा में भी चार सैटेलाइट, तीसरी कक्षा में भी चार सैटेलाइट, चौथी कक्षा में भी चार सैटेलाइट, पांचवी कक्षा में भी चार, और छठवीं कक्षा में भी चार सैटेलाइट कंस्टिलेशन किए गए हैं। ओके, और इस तरह से ये 24 सैटेलाइट 2400 घंटे पृथ्वी के चारों तरफ ऑर्बिट करते रहते हैं, और हर जो GPS सिस्टम है उसका पूरा का पूरा जो वर्क है वो इन्हीं 24 उपग्रहों के ऊपर बेस है। वर्किंग कैसे करता है, ये तो कंस्टिलेशन के ऊपर बात हुई, या आप कहें कंस्ट्रक्शन ऑफ GPS सिस्टम के ऊपर बात हुई कि GPS सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, सॉरी कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, हम कितने उपग्रह हमें चाहिए, किस तरह से हम उनको कंस्टिलेशन कर सकते हैं, कहाँ हमें उनको स्थापित करना है, कितने आज तक लॉन्चेज हुए हैं, ये सब बातें हमने यहाँ डिस्कस की है। अब ये वर्किंग कैसे करते हैं, ये जो पूरे 24 के 24 उपग्रह हैं जो पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काट रहे हैं, ये वर्क कैसे करते हैं, GPS सिस्टम वर्क कैसे करता है, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स सी इट दिस। ओके, दिस सो वर्किंग ऑफ GPS, व्हाट इज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ GPS, देखते हैं कैसे वर्क करता है GPS। देखिए, GPS वर्क थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड ट्राइलेटरेशन। ओके, ट्राइलेटरेशन एक टेक्निक है जिसके थ्रू GPS वर्क करता है, और ये ट्राई जो वर्ड है इसमें पहले से ही तीन, ओके, जैसे केमिस्ट्री में कभी आप स्टडी करते होंगे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, तो उसी तरह से जो वर्ड है ट्राई, ट्राई का मतलब हुआ तीन, लिटरेशन का मतलब हुआ तीन उपग्रह का जो कंसिटिलेशन है उस प्रोसेस को हम ट्राइलिटरेशन कहते हैं। ओके, देखते हैं, तो ये एक टेक्निक है जिसको ट्राइलिटरेशन कहा जाता है, इसके थ्रू ही GPS पूरा का पूरा जो GPS सिस्टम है वो वर्क करता है। ओके, इट इज यूज टू कैलकुलेट लोकेशन, लोकेशन को कैलकुलेट अगर आपको करना है किसी वस्तु की, किसी स्थान की, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है तो भी आप GPS सिस्टम को यूज कर सकते हैं, एंड एलिवेशन, और एलिवेशन को अगर कैलकुलेट करना है तो भी आप GPS सिस्टम की हेल्प से एलिवेशन, लोकेशन एंड वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्राइलिटरेशन कलेक्ट्स सिग्नल फ्रॉम द सैटेलाइट, ट्राइलिटरेशन सिग्नल कलेक्ट करता है फ्रॉम द सैटेलाइट टू आउटपुट लोकेशन इंफॉर्मेशन, जो
लोकेशन का जो इन्फॉर्मेशन है वो यहीं से, इन्हीं सैटेलाइट्स के जो सिग्नल्स भेजे हैं यहीं से हम उनको रिकवर करते हैं, उस लोकेशन को जान पाते हैं। इट इज ऑफन मिस्टेकन फॉर ट्राइंगुलेशन विच इज यूज टू मेजर एंगल नॉट डिस्टेंस। ओके, तो ट्राइंगुलेशन एक ट्राइंगुलेशन को हम ट्राइलिटरेशन से कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। ओके, लेकिन ट्राइंगुलेशन, इट इज ऑफन मिस्टेकन फॉर ट्राइंगुलेशन विच इज यूज्ड टू मेजर एंगल नॉट डिस्टेंस। ओके, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ सेंड सिग्नल्स टू रीड एंड इंटरप्रेटेड बाय जीपीएस डिवाइस सिचुएटेड ऑन और नियर द अर्थ सरफेस। तो पृथ्वी के सरफेस के पास या फिर पृथ्वी पर ही जो जीपीएस रिसीवर हैं उनको वो जो 24 सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहे हैं 24 घंटे वो सिग्नल भेजते हैं, उन सिग्नल्स को रिसीव किया जाता है रिसीवर के द्वारा, उनको इंटरप्रेट किया जाता है और इंटरप्रेट करने के बाद जो लोकेशन एलिवेशन या वेलोसिटी जो भी आपको फाइंड आउट करनी हो किसी ऑब्जेक्ट की वो आप आराम से कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ एल्गोरिथम टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक कंसेप्ट टू कैलकुलेट लोकेशन। अगर आपने को किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन आपको आपको ट्रेस करनी है सो ए जीपीएस डिवाइस मस्ट बी एबल टू रीड द सिग्नल फ्रॉम एटलीस्ट 4 सैटेलाइट। तो कोई भी अगर जीपीएस डिवाइस है वो एक बार में 4 सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है, किन्हीं भी 4 जो भी उसकी लाइन ऑफ साइट में होंगे, है ना। आप इस ये जो फिगर हमने ड्रॉ की है इससे और अच्छे समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ इस लोकेशन पे है, मैं इस तरह से ड्रॉ करके आपको बता सकता हूँ, इस तरह से ड्रॉ करके मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, तो यहाँ कोई व्यक्ति है, इसकी लोकेशन को आपको ट्रेस करना है। अगर इसकी लोकेशन को आपको ट्रेस करना है तो कम से कम 4 सैटेलाइट के सीधे लाइन ऑफ साइट में ये व्यक्ति होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे ये व्यक्ति इस सैटेलाइट के भी लाइन ऑफ साइट में है, इस सैटेलाइट के भी लाइन ऑफ साइट में है, इस सैटेलाइट के भी लाइन ऑफ साइट में है, इस सैटेलाइट के भी लाइन ऑफ साइट में है और इस सैटेलाइट में, और पॉसिबली इस सैटेलाइट के लाइन ऑफ साइट में हो सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड मे बी 7, तो कम से कम 7 सैटेलाइट के सीधे लाइन ऑफ साइट में। लेकिन इसकी लोकेशन को प्राप्त करने के लिए हमें केवल और केवल 4 ही सैटेलाइट की जरूरत पड़े। एक्चुअली तो हमें 3 ही सैटेलाइट की जरूरत होती है, लेकिन चौथे सैटेलाइट की भी जरूरत यह है कि जो इन्फॉर्मेशन 3 सैटेलाइट ने भेजी है वो वैलिड है या नहीं, उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए हमें चौथे सैटेलाइट की इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। नहीं तो हमें 3 ही जो ट्राइंगुलेशन या आप ट्राइलिटरेशन जो टेक्निक हम कह रहे हैं वो इसलिए कि 3 सैटेलाइट से के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है वहीं से वो कंफर्म हो जाता है कि ये लोकेशन यहाँ है या नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी बात को कंफर्म करने के लिए हम ऐसा कहते हैं कि हाँ चौथे जो सैटेलाइट का यूज करते हैं हम अपनी बात को वैलिड करने के लिए कहते हैं। ओके, सो इसलिए नाउ मूव्स टू आवर डिस्कशन। सो टू लोकेट और टू कैलकुलेट द लोकेशन, लोकेशन को कैलकुलेट करने के लिए ए जीपीएस डिवाइस मस्ट बी एबल टू रीड सिग्नल फ्रॉम एटलीस्ट 4 सैटेलाइट। 4 सैटेलाइट से सिग्नल रीड करने के लिए वो डिवाइस एबल होती है, हालांकि हमें केवल 3 की जरूरत होती है, चौथे सैटेलाइट केवल उस जो हमें 3 सैटेलाइट ने इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन को वैलिड करने के लिए वो चौथे सैटेलाइट की हमें जरूरत होती है। ओके, ए सिंगल सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट माइक्रोवेव सिग्नल भेजता है विच पिक्ड अप बाय अ जीपीएस डिवाइस एंड यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द जीपीएस डिवाइस टू द सैटेलाइट। एक सैटेलाइट एक माइक्रोवेव फॉर्म में एक सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता है, वो सिग्नल एक जीपीएस डिवाइस के द्वारा रिसीव किया जाता है और वो जो सैटेलाइट है उस जीपीएस डिवाइस से उस
रिसीवर की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेता है, उस जीपीएस के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेता है. ओके, सिंस जीपीएस डिवाइस ओनली गिव्स अ इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम द सैटेलाइट, ए सिंगल सैटेलाइट कैन नॉट प्रोवाइड मच लोकेशन इंफॉर्मेशन. क्योंकि जो जीपीएस डिवाइस है वो केवल इतना बताती है कि इस सैटेलाइट से ये व्यक्ति या ये स्थान या ये वस्तु या ये ऑब्जेक्ट इतनी दूर है, केवल डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. एक सैटेलाइट है, एक रिसीवर है, सैटेलाइट और रिसीवर के बीच में केवल इतना संबंध है कि जो सैटेलाइट है वो माइक्रोवेव के फॉर्म में सिग्नल सेंड करता है और रिसीवर उस सिग्नल को रिसीव करता है. लेकिन इस पूरे सिस्टम में केवल जो एक बात पकड़ में आती है वो ये है कि इस जो सिग्नल भेजा है किसने, सैटेलाइट ने, और जो रिसीव किया है जीपीएस डिवाइस ने, चाहे वो आपका फोन हो या कोई और कोई स्टेशन हो सकता है, एयरफोर्स स्टेशन हो सकता है, वहां बहुत बड़े बड़े जीपीएस लगे रहते हैं, जीपीएस सिस्टम यूज होता है. सो वो केवल उसकी डिस्टेंस बताएगा कि भाई इस सैटेलाइट से इस डिवाइस की डिस्टेंस इतनी है. लेकिन केवल डिस्टेंस के आधार पे आप किसी भी वस्तु की, ऑब्जेक्ट की, व्यक्ति की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कुछ भी बात नहीं कर सकते. ओके, तो अब इसको कैसे ओवरकम करना है वो देख लेते हैं. सो व्हेन ए सैटेलाइट सेंड सिग्नल इट क्रिएट अ सर्कल एंड द लोकेशन इज नैरोड डाउन ड्यू टू वन ऑफ टू पॉइंट्स वेयर द सर्कल्स इंटरसेक्ट्स. ओके, अब क्या हुआ कि जैसे ही सिग्नल भेजा गया वो उस व्यक्ति या उस स्थान या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर देता है और एक डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता है जीपीएस डिवाइस टू द सैटेलाइट. अब वही लोकेशन जो है वो किसी दूसरे सैटेलाइट, वो जो ऑब्जेक्ट है वो किसी दूसरे सैटेलाइट के लाइन ऑफ साइट में, वो भी क्या करेगा, उस सैटेलाइट के ऊपर सर्कल ड्रॉ करेगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सर्कल ड्रॉ करेगा. अब होता क्या है, आप इस बात को इस तरह से समझने का प्रयास करें कि ये मेरे पास यहां कोई, मैं इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं जिस सर्कल में वो चार सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे होंगे अराउंड द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस. तो यहाँ वो सैटेलाइट्स हैं, ये पहला सैटेलाइट है, ये दूसरा सैटेलाइट है, ये तीसरा सैटेलाइट है, और ये चौथा सैटेलाइट है, इस तरह से. और यहां वो जीपीएस डिवाइस है, वो जीपीएस रिसीवर है जो इन चारों सैटेलाइट से भेजे हुए सिग्नल को रिसीव कर रहा है. माइक्रोवेव सिग्नल यहां से भेजा जा रहा है और वो जो रिसीवर है वो इसको रिसीव कर रहा है. तो होता क्या है, मान लीजिए मैं इनको नंबर दे देता हूं 1, 2, 3 एंड 4. पहला जो सैटेलाइट है वो सिग्नल भेजता है और उसकी जो डिस्टेंस है, इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, इस लोकेशन की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सैटेलाइट, वो मेजर हो जाती है. और ये जो पहला सैटेलाइट है जिसको मैंने नंबर एक नंबरिंग किया है, ये इस लोकेशन के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर लेता है इस तरह से. ओके, अब ये दूसरा सैटेलाइट इसको फिर से लोकेट करता है और ये भी इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर लेता है इस तरह से. अब ये बात हो गई कि इस पूरी जगह में ये वस्तु जहां भी हो सकती थी, इसकी प्रोबेबिलिटी कहीं भी हो सकती थी, अब केवल इसकी प्रोबेबिलिटी इस जगह पे है जहां जो इंटरसेक्शन है इन तीन दोनों सर्कल्स का. अब ये वस्तु, ये जगह, ये ऑब्जेक्ट केवल इस जगह पे हो सकता है. अब ये तीसरा सैटेलाइट फिर से इंफॉर्मेशन भेजता है और एक तीसरा सर्कल ड्रॉ किया जाता है इस तरह से. और जो इंटरसेक्शन है इन तीनों सर्कल का, वही एग्जैक्ट लोकेशन होती है उस ऑब्जेक्ट की.
वही एग्जैक्ट लोकेशन होती है उस ऑब्जेक्ट की, और इस इंफॉर्मेशन को वैलिडिटी प्रदान करता है ये चौथा जो सर्किल जो सैटेलाइट वहाँ सर्कुलेट हो रहा है अराउंड द अर्थ सरफेस। तो इस तरह से ये पूरा जीपीएस सिस्टम वर्क करता है। कॉन्स्टिलेशन साइज में 24 सैटेलाइट्स हैं, जिसकी भी जिन चार सैटेलाइट के सीधे लाइन ऑफ साइट में कोई भी वस्तु कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वही उसकी एग्जैक्ट लोकेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराएगा। ओके लेट्स सी इट। सो ए सिंगल सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट ए माइक्रोवेव सिग्नल विच पिक्ड अप बाई अ जीपीएस डिवाइस एंड यूज्ड टू कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम द जीपीएस डिवाइस टू द सैटेलाइट। ओके सिंस जीपीएस डिवाइस ओनली गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस, केवल डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है फ्रॉम द सैटेलाइट, अ सिंगल सैटेलाइट कैन नॉट प्रोवाइड मच लोकेशन इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा वो एक अच्छी लोकेशन की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करा सकता, क्योंकि जो जीपीएस डिवाइस है वो केवल लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ओके व्हेन अ सैटेलाइट सेंड सिग्नल इट क्रिएट्स अ सर्कल एंड द लोकेशन इज नैरोड बाई वन ऑफ टू पॉइंट्स वेयर द सर्कल्स इंटरसेक्ट, तो जहाँ वो दो सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे, मैंने अभी आपको वो फिगर ड्रॉ करके बताई थी, तो किस तरह से हम उस लोकेशन की इंफॉर्मेशन को नैरोड कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं। विद ए थर्ड सैटेलाइट द डिवाइस लोकेशन कैन फाइनली बी डिटरमाइंड एज द डिवाइस इज एट इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सर्कल्स। यहाँ भी इस तरह की एक फिगर को ड्रॉ किया गया है, यहाँ देखिए इस फिगर को ड्रॉ किया गया है। सो यहाँ इसके इंटरसेक्शन पे इन तीनों सर्कल्स के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ वो इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो लोकेशन हो सकती है या होगी, और ये कंफर्म किया जाता है एक चौथे सैटेलाइट के। वी लिव इन थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड, आपको ये पता है कि थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में हम रहते हैं। मैक्सिमम जो डायमेंशंस की हम बात करते हैं, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, तो मैक्सिमम जो डायमेंशंस हैं वो हम थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं। तो थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में रहने की वजह से जो सैटेलाइट प्रोड्यूस करता है या वो जो लोकेट करता है इंफॉर्मेशन को, एक स्फीयर की फॉर्म में लोकेट करेगा, ना कि एक सर्कल की फॉर्म में, क्योंकि वी लिव इन थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड, और थ्री डायमेंशनल में अगर आप किसी भी सर्कल को ड्रॉ करें तो वो हमेशा एक स्फीयर होगा। So because we live in a three-dimensional world, which means that each satellite produces a sphere, not a circle. तो जो कोई भी सैटेलाइट होगा वो एक स्फीयर को लोकेट करेगा, एक स्फीयर को दिखाएगा, ना कि एक सर्कल को वो प्रोवाइड करेगा। अब क्या करें, अब सर्कल तो इंटरसेक्ट कर सकते, लेकिन इमेजनरी अगर हम स्फीयर का इंटरसेक्शन देखें तो वो थोड़ा सा मुश्किल हमें दिखाई देता है। उसके लिए क्या करते हैं, देखिए द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री स्फीयर्स प्रोवाइड्स टू पॉइंट्स, जैसे यहाँ फिगर में आपको दिख रहे होंगे, आई होप ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, सो द पॉइंट नियरेस्ट अर्थ इज टेकन। तो जो भी इन दोनों पॉइंट्स में, ये फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट, इनमें से जो भी अर्थ के नज़दीक होगा उस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं, उस पॉइंट को हम ले लेते हैं कि यहाँ वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट लोकेशन है जिस लोकेशन को हम ट्रेस करना चाहते हैं, यहाँ वो एग्जैक्ट। अगर आप पृथ्वी से कुछ इस तरह का है कि ये सर्कल्स इस तरफ है, मान लीजिए पृथ्वी यहाँ कहीं, तो ये पॉइंट कंसीडर किया जाएगा, और पृथ्वी अगर इस तरफ है कहीं तो ये वाला ऊपर वाला जो पॉइंट है ये कंसीडर किया जाएगा। तो नियरेस्ट टू द अर्थ सरफेस जो भी पॉइंट होगा उसको हम ऑफनली यूज करते हैं। ओके एज अ डिवाइस मूव्स, जैसे ही कोई डिवाइस मूव करती है, द रेडियस द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट चेंजेस, व्हेन द रेडियस चेंजेस न्यू स्फीयर्स आर प्रोवाइड गिविंग अस अ न्यू पोजिशन।
तो जैसे ही कोई डिवाइस मूव करती है, मान लीजिए कार में आप जा रहे हैं, कार में आपकी लोकेशन आपका फोन जीपीएस ट्रैकिंग करता है, तो वो जो सर्कल्स हैं उनकी रेडियस लगातार चेंज होती रहती है। आप पहले यहाँ थे, फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ चले गए, तो जो सर्कल्स हैं वो लगातार ड्रॉ करते रहते हैं और आपकी पोजिशन भी लगातार बदलती रहती है, और वो जो रेडियस का चेंज है वो नई पोजिशन को लगातार आपको बताता रहता है। वी कैन यूज द डेटा कंबाइंड विद द टाइम फ्रॉम द सैटेलाइट टू डिटरमाइन द वेलोसिटी, कैलकुलेट द डिस्टेंस टू अवर डेस्टिनेशन। तो इस तरह से वेलोसिटी, और अगर आपको पता लग गया वेलोसिटी और टाइम का, तो आराम से आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से बहुत फेमिलर होंगे, वेलोसिटी यानी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो उस फॉर्मूले को यूज करके आराम से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। सो अब जो हमारे पास यहाँ बहुत थोड़ा सा एक काम बचा है वो है अबाउट द यूजेस ऑफ दिस जीपीएस सिस्टम, उसके बारे में अगले लेक्चर में हम थोड़ी सी बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम एक नया कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर नाउ, मीट यू इनटू द नेक्स्ट वन। थैंक यू।